मैं उनको साध्वी नहीं बोलता हूं, क्योंकि साध्वी की भाषा में ना हिंसा नहीं होती है। जो सन्यासी होता है वो नफरत की बात नहीं करता है, जो सन्यासी होगा वो नफरत की बात नहीं करेगा, और जो नफरत की बात करेगा वो सन्यासी नहीं हो सकता है, इस बात को याद रखिएगा। तो वो जो सांसद हैं उन्होंने हिंसा की बात की, तो मुझे इसमें ना एक एक जो है साजिश दिखाई देता है। साजिश जानते हैं क्या है? वो सांसद महोदया एक्चुअली जया शाह के पापा का मजाक उड़ा रहे थे। जया शाह के पापा का मजाक कैसे उड़ा रहे थे? देश का गृह मंत्री कौन है? अमित शाह है ना। तो कानून व्यवस्था का पालन करना किसका काम है? अमित शाह का। तो साध्वी ये कह रही थी कि अमित शाह निकम्मा है, इसीलिए अपने घर में चाकू तेज कर लिए, यही कह रही थी ना। उस बयान का यह भी मतलब तो निकाला जा सकता है कि आप इस देश के बहुसंख्यकों को डरा रहे हैं, और आप ये बता रहे हैं कि जया शाह का पप्पा किसी काम का नहीं है, इसीलिए अपने घर में चाकू तेज कर लीजिए। यह बात आपको ठीक लगती है? यहां पुलिस के लोग वर्दी पहन करके खड़े हैं, क्या मैडम हम ही लोग चाकू तेज कर लें तो आप लोग क्या कीजिएगा? उत्तर प्रदेश पुलिस की तरह मुंह से ही ठाई ठाई कीजिएगा? क्या कीजिएगा बताइए? बताइए इस देश की सिक्योरिटी फोर्सेज क्या करेगी? बताइए इस देश की पुलिस क्या करेगी? बताइए इस देश की न्यायपालिका क्या करेगी? बताइए इस देश की अदालतों में क्या होगा? बताइए इस देश में कानून व्यवस्था का क्या होगा? अगर हमको अपने घर में चाकू तेज करना है तो फिर गृह मंत्री किस लिए? अपने बेटा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाने के लिए किस लिए है गृह मंत्री? किस लिए है रक्षा मंत्री? इस सवाल को अपने मन में पूछिए, और इस सवाल को जब आप अपने मन में पूछेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये नफरत की भाषा क्यों बोली जाती है।